सीकर से खबर है। बाबा खाटू श्याम के मेले का आज है दूसरा दिन। अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। रिंगस से खाटू तक श्याम भक्तों की कतार लगने लगी है। अभी तक 10 कतार जो है वो चल रही है। आपको बता दें, श्याम के दर्शन की भीड़ बढ़ने पर कुल 16 कतारों में अब बाबा के दर्शन कराए जाएंगे। खाटू नगर में हर तरफ बाबा श्याम के निशान नजर आ रहे। भक्त नाचते गाते जो है वो खाटू धाम पहुंच रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए 10 की बजाय अब 16 जो है कतार वो लगाई जाएंगी ताकि लोगों को सहूलियत हो दर्शन करने में। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अशोक शेखावत हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट्स के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अशोक, जाहिर तौर पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसीलिए 16 कतारें अब लगाई जा रही हैं। किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं इस वक्त आप देख पा रहे हैं खाटू धाम? देखिए, सबसे पहले मैं जी न्यूज के दर्शकों को बाबा श्याम के सीधे दर्शन करवाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, ये बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया है और बाबा श्याम के दरबार में हम खड़े हैं। देखते हैं किस तरीके से भव्य सजावट बंगाली कलाकारों के द्वारा बाबा श्याम का हर रोज विदेश से आए हुए फूलों का, देश से आए हुए फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। आप देख सकते हैं, हमारे श्रद्धालु, हमारे जो जी न्यूज़ के दर्शक हैं वो बाबा श्याम के सीधे दर्शन कर सकते हैं। हम खड़े हैं बाबा श्याम के मंडप में और श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला, कल पहला दिन था खाटू श्याम मेले का, आज दूसरा दिन है। 24 घंटे जो है श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा नहीं हो, इसके लिए बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था की गई है। दर्शकों में अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। पिछले 85 दिन से बाबा श्याम का जो है मंदिर जो था, पट था, वो बंद था और 6 तारीख से खोला गया था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरीके से लाखों की भीड़ उमड़ रही थी उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और उसी का परिणाम रहा कि खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने और प्रशासन ने मिल करके ये व्यवस्था की है कि यहाँ पे सीधा बाबा श्याम के दरबार में आप देख सकते हैं ये 14 लाइन जो है ये इस तरीके से व्यवस्थित की गई। इससे पहले केवल 4 ही लाइन जो है वो श्याम के मंदिर में पहुँचती थी, अब 14 लाइन आने से जो भीड़ का जो दबाव रहता है वो कम हो चुका है। बाबा श्याम के जो है श्रद्धालु आकर के बहुत सुगम तरीके से, आसान तरीके से यहाँ पे बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। ट्रैफिक की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे इस तरीके से की गई है। इस बार जो है हमने खुद ने भी देखा है, श्रद्धालु काफ़ी प्रसन्न है इस तरीके की बाबा श्याम के दर्शन की जो व्यवस्था है उसमें किसी तरीके के उनको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। करीबन 4000 से अधिक पुलिसकर्मी, इसके अलावा 1000 निजी सुरक्षा गार्ड जो हैं वो सुरक्षा की व्यवस्थाओं में कमान संभाले हुए हैं। करीबन 350 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए जिससे पूरी मेले और खाटू श्याम नगरी को कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली से। सर दिल्ली से आए हैं, किस तरीके की व्यवस्था लग रही है आपको? सर बहुत अच्छा है, पहली बार आया लेकिन सर देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही संतुष्टजनक व्यवस्था कर रखी है। बहुत अच्छा, संतोषजनक जो है वो बाबा श्याम के दर्शन जिस तरीके से उनको हो पा रहे हैं वो तमाम व्यवस्था यहाँ पे जो मेला मजिस्ट्रेट हैं, इसके अलावा कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, SP करण शर्मा, इन्होंने पूरी मेले की व्यवस्था संभाल रखी। श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह, वो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं को संभाल करके, पीने के पानी है, मेडिकल की व्यवस्था तमाम की गई। और श्रद्धालु इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं? कानपुर से आई हूँ। पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, मैं, हम आते रहते हैं, खाटू बाबा के प्रेमी हैं, श्याम प्रेमी हैं। कितना बहुत अंतर है, हमें जब पिछली बार आते थे तो धक्के, इस बार एक भी धक्का नहीं मिला है। बाबा ने खूब प्यार से दर्शन दिए हैं, बहुत कृपा करी है बाबा ने मुझे मिसेस कानपुर बनाया है, मनौती के लेके आई हूँ, मिसेस UP बनूं। बाबा ने बुला लिया यही बहुत बड़ी बात है। मनौती खूब सुनते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत हर साल आते हैं लेकिन इस साल व्यवस्था बहुत अच्छी है।
35-36 ईयर से आ रही हूँ। इस साल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इस साल बहुत बढ़िया। कितनी देर में आपको दर्शन करने में लगेगा? 10 मिनट टोटल, मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट में श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हर श्रद्धालु के मुंह से एक जो है वो बात निकल के आ रही है कि बहुत शानदार व्यवस्था खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु की गई है। उधर से पैसे लेकर उधर से भेजते हैं जी, इधर से पब्लिक को भेजते हैं। आपने देखा और क्या है? नहीं, ये भीड़ को कंट्रोल, ये कुछ लोग हैं जिनको लाइन में आना पड़ गया, तो उस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर ये कुछ असंतुष्टि भी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से सबने व्यवस्थाएं कर रखी है बाबा श्याम के दर्शन के लिए, आप प्रसाद लेके आए, इस बार प्रसाद पे रोक है, क्या लगता है? नहीं, रोक से कोई दिक्कत नहीं है, बाबा को दिखला देंगे, बांट देंगे प्रसाद, बाबा को दिखा देंगे, बाबा का प्रसाद जो है वो मान लेंगे ये श्रद्धा। देखिए किस तरीके से बाबा श्याम के लिए, जिस तरीके से इनके मन में जो भाव है वो सामने आ रहे हैं। हर आदमी बाबा श्याम के जिस तरीके से दर्शन हो रहे हैं उसको लेकर के काफ़ी। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगले 9 दिनों तक जिस तरीके से बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहाँ व्यवस्था रहेगी, उसमें हर रोज़ बाबा श्याम का विशेष फूलों से श्रृंगार किया जाएगा, इत्र से श्रृंगार किया जाएगा, और एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि एकादशी ही बाबा श्याम का मेले का लक्खी का दिन है। इसके बाद में द्वादशी को विधिवत रूप से मेले का समापन हो जाएगा, और पुरानी परम्परा चली आ रही है जिसमें जो बताया जाता है कि सूरजगढ़ का निशान जो है वो बाबा श्याम के मंडप पर ऊपर चढ़ाया जाएगा, उसके बाद में विधिवत रूप से जो है बाबा श्याम के खीर चूरमे का भोग लगाया जाएगा, और भोग लगाने के बाद में विधिवत रूप से मेले का समापन हो जाएगा। हमें ये देखने को मिला कोरोना काल के बाद में जिस तरीके से बाबा श्याम के दर्शकों की, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो अनवरत रूप से बढ़ती आ रही थी, वो ये व्यवस्था जो फिलहाल की गई है उसके करने से काफ़ी व्यवस्थाएं कमांड में कम जो है वो संभलने में व्यवस्था हुई है, श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा महसूस हुई है। जी जाहिर तौर पर अशोक और आपकी वजह से देखिए खाटू श्याम के दर्शन हम लोग भी कर पा रहे हैं, और सभी जो दर्शक हैं हमारे वो जो है वो बाकी श्रद्धालुओं की तरह दर्शन घर बैठे कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। इन व्यवस्थाएं जो आला दर्जे की गई उसके बारे में भी जो तमाम श्रद्धालु वो बता रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही, भले कतारों की संख्या बढ़ाई गई हो, शायद इसलिए बढ़ाई गई ताकि धक्का मुक्की ना हो पाए, व्यवस्थाएँ बेहतर हो पाएँ। अशोक, अगर हम चूँकि वार्षिक मेला है, हर वर्ष लगता है, ऐसे में पिछले वर्ष के मुकाबले या उससे पहले के मुकाबले अगर कंपेरिजन करें अशोक, तो इस बार क्या अलग नज़र आ रहा है पिछली बार के मुकाबले व्यवस्थाओं में? देखिए पहले की हम पिछले कई सालों से बाबा श्याम का ये जो लक्खी मेला कवर करते आए हैं, सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी वो तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने जो व्यवस्था की गई है, जो पहले 4 लाइन आती थी मंदिर के परिसर में मंडप में, अब ये बढ़ा करके 14 कर दी गई है। तो करीबन जो 1 घंटे में 30,000 के लगभग बाबा श्याम के लोग दर्शन किया करते थे, अब वो दर्शकों की संख्या करीबन 70,000 बढ़ गई, तो जो भीड़ था वो कंट्रोल हुई है। इसके अलावा यातायात की व्यवस्था में जो सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम का व्यवस्था रहता था, इस बार वाहनों के लिए तो अलग व्यवस्था की गई है, एग्जिट की अलग व्यवस्था की गई है, जो पार्किंग है उसका सीधा ही रास्ता शहर में नहीं आकर के, खाटू नगरी में आकर के सीधा जो है चोमू पुरोताइन होते हुए सीधे वो हाईवे पर चढ़ जाएंगे, इसलिए एक जो ट्रैफिक जाम की और यहाँ पे जो भीड़ की व्यवस्था रहती थी वो कंट्रोल हुई है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है, और जो बाहर आपको बताऊँ ये पीछे की साइड में जो जहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ से करीबन 500 मीटर दूरी पर 14 किलोमीटर का जिगजैग था। जिगजैग में क्या था कि श्रद्धालु घूमते रहते थे, उससे क्या है कि पीछे का जो भीड़ थी वो काफ़ी बढ़ जाती थी। इस बार उस जिगजैग को हटा दिया गया, जिगजैग को सीधा ही बाबा श्याम के मंडप के अंदर जो है पहुंचा दिया गया, जिससे भीड़ का काफ़ी नियंत्रण हुआ है। आप देख सकते हैं हमने मेले के दूसरे दिन इस तरीके की व्यवस्था पहले नहीं देखी, जितने भी मेले हमने कवर किए हैं। बहुत बड़ी चीज ये है कि अब ये बहुत बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए, क्योंकि धार्मिक माहौल में व्यवस्था बेहतर करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है, लाख लाख लोग जो है एक एक घंटे के अंदर दर्शन कर रहे हैं, एज यू सेड। अब ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है जिससे प्रशासन ने पार पाया है, लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए हैं, और बहुत शुक्रिया आपका अशोक इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए, और सभी को घर बैठे खाटू श्याम के दर्शन कराने के लिए बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे कुछ